देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की वर्चुअल गरिमामयी उपस्थिति में बिहार को अब तक का सबसे बड़ा सौगात दिया है। इन सौगात में 14,000 करोड़ की लागत की 9 राजमार्ग एवं पुल परियोजना शामिल है। 15,000 करोड़ की लागत से पटना में रिंग रोड का निर्माण, 2,926 करोड़ रुपए की लागत से गांधी सेतु के समांतर पुल का शुभारंभ, बिहार के सभी 45,945 गांव तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा आदि दी है। इस हेतु बिहार वासियों ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। मिल रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णनंदन सिंह जी से। सर आज क्या प्रोग्राम हो रहा था? आज प्रधानमंत्री जो पूरे बिहार में जी 4 बड़ी योजनाओं का जो लोकार्पण कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ चलचित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा है ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण और 3 बड़ी सड़कें का परियोजना का लोकार्पण हो रहा है प्रधानमंत्री के माध्यम से। और यह एक बिहार के लिए बड़ा ही शुभ दिन है कि बिहार में विकास की गति आगे बढ़ा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सौजन्य से। यहाँ पर अच्छी अच्छी सड़कें का निर्माण हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण हो रहा है जो कि नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसलिए आज इसी के कार्यक्रम को आम लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जो सौगात दिया है वह बहुत ही उत्तम और लाभकारी है। भाजपा बिहार विधानसभा संयोजक राजेश सिंह जी से। राजेश जी, आज का प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द बताइएगा कि क्या क्या उद्घाटन हो रहा है आज? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज बिहार को एक बहुत बड़ी परियोजना का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, और उसने बड़ी परियोजना के बारे में आपको कृष्णनंदन सिंह जी ने बताया कि कुल जो है 45,945 गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से बिहार को जोड़ा जा रहा है, हर घर को नेट की सुविधा प्राप्त होगी इससे। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2,926 करोड़ की लागत से गांधी सेतु के समानांतर पुल का शुभारंभ किया गया। आज 2,926 करोड़ रुपए की लागत से गांधी सेतु के समानांतर पुल का शुभारंभ। तीसरा है कि इनके नेतृत्व में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ पटना में रिंग रोड जिसका आज शुभारंभ जो है रोड का निर्माण का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के हम लोग काफ़ी उत्साही और आगे आने वाले विधानसभा में भी हम लोग जो है इसी तरह NDA के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से अच्छे जीत से हम लोग जो है अपनी सरकार को बनाएंगे।